नगरीय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत नए सॉफ्टवेयर से ही भवन के नक्शों की जानकारी फीड करना है। इसे लेकर आ रही परेशानी को लेकर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बैठक ली। इसमें भोपाल से आए कंपनी के अधिकारी और भवन निरीक्षक भी शामिल हुए। सभी ने सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को लेकर जानकारी दी। कंपनी के अधिकारियों ने समस्या का समाधान बताया और कुछ अड़चनें शासन स्तर पर ही दूर हो सकती थी, उन्हें लेकर अब निगम आयुक्त एक पत्र शासन को लिखेंगे। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था में शुरुआती दौर में ऐसी दिक्कतें आती हैं। आज हमने हमारे अधिकारियों के साथ प्राइवेट आर्किटेक्ट के साथ कंपनी के लोगों को बुलाया था। 10 दिन में पूरे सिस्टम को सुचारू कर लिया जाएगा। कुछ मामलों में भोपाल से अनुमति लेनी होगी, जिसकी प्रोसेस की जा रही है। के भी राज्य शासन के निर्देशानुसार जो बिल्डिंग परमिशन का हमारा पहले का सॉफ्टवेयर था, जिसको हम लोग ABPS 1 बोलते थे, उसकी जगह पर ABPS 2 दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया गया है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि एक रूपता रहे और भूमि विकास नियमों का पालन करते हुए पूरे राज्य भर में सभी सारी की सारी बिल्डिंग एक ही जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें। अब हम लोग जब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर की में शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ कुछ शुरुआती दिक्कतें, जैसा कि हमेशा होता है जब भी कोई सिस्टम चेंज होता है, नया सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, नया कोई गाइडलाइंस आती हैं, तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें आती हैं जो दोनों पक्षों को मिल बैठ कर जिनका रिजोल्यूशन करना पड़ता है। तो उसी संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि जो कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर थे, जो प्राइवेट आर्किटेक्ट्स हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, और हमारे जो नगर निगम के इंजीनियर्स हैं BIBO हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो जो कुछ समस्याएं हमारी तरफ से आ रही हैं उस संबंध में चर्चा हुई है, उस संबंध में उनको ब्रीफ भी किया गया है। और हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि भोपाल से बात करके, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें भोपाल का इंटरवेंशन भी आवश्यक होगा, भोपाल से बात करके 8-10 दिनों में हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्मूथ बना देंगे।